नमस्कार, मेरा नाम है पिंकी और आज मैं आपको मसाला भिंडी रेसिपी बताऊंगी। ये मैंने आधा केजी भिंडी ली है, इनको मैंने गोल गोल ऐसे काट लिया है और एक चम्मच लाल मिर्च ली है, जीरा और राई लिया है तड़का लगाने के लिए और दो बड़े चम्मच धनिया लिया है पिसा हुआ, हल्दी पाउडर, नमक, दो टमाटर और हरी मिर्च 5 से 6 और ये गरम मसाले, इनको ऐड करके हम मसाला भिंडी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मैं इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब हम ऑयल को गरम होने देंगे और इसमें जीरा और राई डालेंगे। अब हम इसमें जीरा और राई डालते हैं। जीरा और राई भूनने के बाद में हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। किसी किसी की भिंडी टमाटर डालने के बाद गीली हो जाती है, चिपचिपी सी, लेकिन आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी, देखने और खाने में भी अच्छी लगेगी। देखिए हमारे जीरे और राई भून गए हैं, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को हल्का से चलाएंगे। हरी मिर्च को थोड़ा सा तेज भूनेंगे। देखिए हरी मिर्च हमारी भून गई है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को पकने देंगे। टमाटर जब पकता है, ये देखिए टमाटर हमारा पकने लगा है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर अभी डाल देंगे और बाकी जो मसाले हमने रखे हैं उनको हम बाद में डालेंगे। अब हम इसमें भिंडी डालते हैं। बस अब हम इसको चला देंगे। अब भिंडी को मीडियम आंच में 5 मिनट ढककर पकाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, हम भिंडी को एक बार देखते हैं।
चलाने लगी है। भिंडी को ज़्यादा नहीं चलाना है, चलाने से भिंडी ख़राब हो जाती है। बस एक दो बार धीमी आंच पे इसे ढक के पकाने के बाद ही चलाना है। एक बार चलाने के बाद अब भिंडी को हम दोबारा ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद देखते हैं, फ्लेम को हमको कम ही रखना है। अब हम भिंडी को देखते हैं एक बार और। देखिए भिंडी हमारी पूरी तरीके से बन गई है। अच्छे से अब हम इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और जो मसाले हमने लिए थे वो सारे मसाले डाल देते हैं। से और अब हम इसको मिक्स करते हैं सभी को। थोड़ी देर चलाने के बाद में गैस को बंद कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए भिंडी हमारी बन करके तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। भिंडी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म भिंडी पूड़ी से खाने के लिए तैयार है। आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो चिपचिपी भी नहीं बनेगी, भिंडी एकदम सूखी दिखेगी। ये देखिए खाने वाले को भी बहुत अच्छी लगेगी और मेरे घर में इसको सभी पसंद करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक और शेयर करें।